दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लखनऊ में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस बीजेपी के हमले का जवाब दिया और कहा कि केजरीवाल वो आतंकवादी है जो भ्रष्टाचारियों को डराता है। सीएम केजरीवाल ने शोले फिल्म के डायलॉग का भी सहारा लिया। सीएम केजरीवाल ने कहा, आतंकवादी दो तरह के होते हैं, एक वो होता है जो जनता को डराता है और एक वो आतंकवादी होता है जो भ्रष्टाचारियों को डराता है। केजरीवाल वो आतंकवादी है जो भ्रष्टाचारियों को डराता है। शोले फिल्म में डायलॉग है, जब 100-100 मील तक बच्चा भ्रष्टाचार करता है तो माँ कहती है सो जा, नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा। अभी 3-4 दिन पहले दिल्ली में हम लोगों ने सरकारी स्कूलों में 12,000 नए कमरे बना के तैयार किए हैं। 12,000 नए कमरे और शानदार कमरे, उसमें वो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक है। स्कूलों में लिफ्टें लगी हैं, शानदार लेबोरेटरी हैं, बड़े बड़े हॉल हैं, मल्टीपर्पज ऑडिटोरियम सरकारी स्कूलों में 12,000 बना के तैयार किए हैं। और पिछले 7 साल में टोटल हमने 20,000 कमरे बनाए हैं। पूरे देश की सारी सरकारें मिला लो, सारी राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, सारी सरकारें मिला के 7 साल में 20,000 कमरे नहीं बनाए पूरे देश ने, अकेले दिल्ली में 12,000 कमरे हमने 20,000 कमरे बना दिए। और 20,000 कमरे का मतलब लगभग 400 नए स्कूल बना दिए। योगी जी ने कितने स्कूल बनाए हैं पिछले 5 साल में? पूरे यूपी में एक भी नहीं स्कूल बनाया। पूरे यूपी में एक भी स्कूल नहीं बनाया। अच्छा, कोई कॉलेज बनाया हो? पूरे यूपी में कोई कॉलेज नहीं बनाया, कोई यूनिवर्सिटी? हमने दिल्ली में 3 नई यूनिवर्सिटी बनाई है।